मेन प्रेजेंटिंग फॉल। इस कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं बेकी अपने हस्बैंड डैनी के साथ एक पहाड़ पे क्लाइंबिंग कर रही है। साथ में उसकी फ्रेंड हंटर भी है। ये तीनों एक साथ पहाड़ पे क्लाइंबिंग कर रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद बेकी का हस्बैंड डैनी गलती से एक पक्षी के घोंसले पे हाथ डाल देता है। पक्षी उड़ जाता है और डैनी तभी नीचे गिरने लगता है। बेकी और हंटर ये दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उसे बचा नहीं पाते और वो नीचे गिर के मर जाता है। अब कहानी यहाँ से आगे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं 51 हफ्ते बाद बेकी अपने हस्बैंड डैनी के गम में हमेशा दुखी रहती है। वो अब बहुत ही ज्यादा शराब पीने लगती है और हमेशा डैनी को याद करती है। वो अब अपनी जिंदगी में बिल्कुल मायूस हो चुकी है। और यही पे हमें दिखाया जाता है, एक दिन बार में बैठ के बेकी शराब पी रही होती है, तभी वो अपने मोबाइल से अपने हस्बैंड डैनी के नंबर पे कॉल करती है। दरअसल डैनी के मरने के बाद बेकी अक्सर अपनी इमेजिनेशन में ऐसे ही डैनी से कॉल पे बात करती है। कुछ देर बाद बेकी उस बार से बाहर निकल रही होती है, तभी बाहर उसके डैड जेम्स उसका इंतजार करते हैं। बेकी अपने डैड को देख के गुस्सा हो जाती है और अपने डैड से पूछती है, क्या आप मुझे स्टॉक कर रहे हो? उसके डैड कहते हैं, मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम जो कर रही हो वो गलत है। डैनी मर चुका है और वो कभी वापस नहीं आएगा। अब तुम्हें इस हालात से मूव ऑन करना चाहिए। इस पे बेकी कहती है, मैं मूव ऑन नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसे भूल नहीं सकती। मैं उसे हर रोज हर वक्त मिस करती हूँ। ये कह के वो वहां से जाने लगती है। तभी उसके डैड कहते हैं, डैनी अब फिर कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जो लोग जिंदा है तुम्हें उनके लिए जीना पड़ेगा, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। बेकी अपने डैड को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। वो अपने कार के पास जाती है और उसके डैड उसे रोकते हैं। वो कहते हैं, तुम नशे में हो, तुम गाड़ी नहीं चला सकती, चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। बेकी कहती है, मैं पैदल चली जाऊंगी। वो जा रही होती है, तभी उसके डैड पूछते हैं, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता, क्या इस तरह से उसे फोन करने से और अपनी इमेजिनेशन में उससे बातें करने से क्या वो वापस आ जाएगा? वो अब नहीं है और कभी वापस नहीं आएगा, और तुम्हें ये समझना चाहिए। अब बेकी कहती है, मैं समझती हूँ, मुझे अब अकेले रहना चाहिए डैड। कह के वो वहाँ से चली जाती है। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं बेकी की फ्रेंड हंटर उसके घर आती है और वो बेकी से कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी वो अपने मोबाइल पे एक पुराने टावर का फोटो दिखाती है और कहती है, इसकी ऊंचाई 2000 फीट है, ये तुम्हारे लिए एक एडवेंचर हो सकता है, तुम इस टावर पे चढ़ के डैनी की अस्थियां बिखेर देना। इस पे बेकी रोती हुई कहती है, वो ऐसा नहीं कर सकती, पर हंटर उसे मना लेती है। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं वो दोनों उस जगह पे जाने लगते हैं जहाँ पे वो टावर है। हंटर यहाँ पे वीडियो बनाने लगती है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए। फिर वो दोनों उस टावर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ आके वो देखते हैं कुछ वल्चर्स एक एनिमल को खा रहे थे और हंटर उसका भी फोटो निकाल के अपलोड कर देती है। ये टावर एक बहुत ही पुराना टावर है और इस टावर के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं रहता और ना ही यहाँ ज्यादा कोई आता जाता है। इस टावर पे बहुत ही ज्यादा जंग लगा हुआ है। बेकी टावर पे चढ़ने से मना कर देती है क्योंकि उसे टावर की वो हालत देख के डर लगने लगता है, लेकिन हंटर उसे यहाँ भी हिम्मत देती है। फिर वो दोनों टावर पे चढ़ने लगते है। यहाँ टावर की कंडीशन इतनी खराब होती है कि बेकी के कदम रखते ही टावर के सीढ़ियां हिलने लगती है। कुछ ऊपर तक चढ़ने के बाद हम देखते है कि हंटर मजाक में बेकी को डराने के लिए टावर के सीढ़ी को हिलाने लगती है और तभी सीढ़ी का एक स्क्रू खुल के नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों टावर के टॉप तक चढ़ जाते हैं। टावर के ऊपर चढ़ने के बाद वो दोनों अपने अपने मोबाइल से फोटो खींचने लगते हैं और ड्रोन कैमरा से वीडियो भी बनाते हैं। फिर हंटर टावर के ऊपर से लटक जाती है और बेकी को फोटो खींचने के लिए कहती है। उसके बाद ऊपर आके वो बेकी को भी ऐसा करने को कहती है और उसके बाद बेकी अपने हस्बैंड की अस्थियों को उस टावर के ऊपर से बिखेर देती है। और अब यहाँ दोनों बहुत ही खुश होते हैं। फिर बेकी को भी बहुत अच्छा लगने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से उतरना शुरू करते हैं। बेकी टावर से उतर ही रही होती है तभी टावर के सीढ़ियां एक एक करके टूटने लगते हैं और साथ ही बेकी के पास जो बैग था जिसमें खाने पीने का सामान था टावर के डिस्क के ऊपर गिर जाता है। बेकी रस्सी से लटक रही होती है, हंटर उसे ऊपर खींच लेती है। फिर बेकी फिर से ऊपर आ जाती है। अब ये दोनों 2000 फीट ऊंचे टावर की ऊंचाई पर फंस चुके होते हैं। बेकी और हंटर मोबाइल से फोन करके किसी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क भी नहीं आता है, इसीलिए वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते। तभी बेकी की नजर उस टावर पे एक बॉक्स पे पड़ती है जिसके अंदर से उन दोनों को एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलता है। तभी हम देखते हैं कि बेकी के एक पैर में घाव होता है। हंटर अपनी शर्ट उतार के उस घाव को बांध देती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है हंटर अपने मोबाइल पे उन फोटोज को देखने लगती है जो उन लोगों ने टावर के नीचे पोस्ट
पोस्ट किया था और उनमें से एक फोटो में 3000 के करीब लाइक्स आ चुके थे। इसका मतलब यह है कि टावर के नीचे नेटवर्क है। अब हंटर बेकी से कहती है, मेरे पास कुछ फॉलोअर्स है, हम अपने फोन को नीचे पहुंचा के हम उनसे मदद मांग सकते हैं। फिर हंटर अपना एक शू उतारती है, फिर फोन पे अपने फॉलोअर्स को हेल्प टाइप करके जूते के अंदर मोबाइल को डाल के फिर जूते के अंदर अपना एक सॉक और अपने ब्रा को डाल देती है ताकि मोबाइल जब नीचे गिरे तब टूटे ना, फिर जूते को नीचे फेंक देती है। अब वो दोनों कुछ देर इंतजार करते हैं, तभी बेकी को हंटर के पैर में 143 टैटू दिखाई देती है। अब बेकी को डाउट होता है क्योंकि उसका हस्बैंड हमेशा कोड लैंग्वेज में बात करता था और आई लव यू भी वो हमेशा ऐसे ही कोड लैंग्वेज में बताया करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि हंटर का फेंका हुआ मोबाइल नीचे गिर के टूट जाता है और उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। फिर वो दोनों ऊपर से नीचे एक डॉग को देखते हैं और उसके साथ वहां से एक आदमी भी गुजर रहा होता है। वो दोनों मदद के लिए आवाज लगाते हैं लेकिन उतनी ऊंचाई से उन दोनों की आवाज उस आदमी को सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। बेकी अपने मोबाइल पे अपने हस्बैंड के साथ अपना एक वीडियो देखने लगती है और उस वीडियो में उसे हंटर भी दिखाई देती है जो उस वक्त मायूस होती है। तभी टावर के नीचे वो आदमी और उसके साथ एक और आदमी दिखाई देते हैं। अब बेकी आसमान में फ्लेयर गन चला देती है, तभी उन दोनों आदमी की नजर उस रोशनी पर पड़ती है लेकिन वो लोग उनकी मदद किए बगैर ही उनकी गाड़ी को चुरा के वहां से भाग जाते हैं। इस बात पे वो दोनों मायूस होकर बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं हंटर बेकी के पैर में घाव को देख रही है। तभी बेकी की नजर फिर से हंटर के पैर पे उस टैटू पे पड़ती है और तभी वो हंटर से कहती है, मेरे हस्बैंड को ऐसे ही कोड में आई लव यू कहने की आदत थी, वो ऐसे ही मुझे 143 कहता था। अब हंटर समझ जाती है और वो बेकी से सॉरी कहती है लेकिन बेकी रोते हुए कहती है, मेरे हस्बैंड के साथ सो चुकी हो और सिर्फ एक सॉरी कह रही हो। और वो ये भी पूछती है कि ये सब कब से चल रहा था। हंटर कहती है 4 महीनों से। फिर हंटर बेकी से सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है, ये सब मेरी गलती है, जब मुझे पता चला कि तुम दोनों की शादी होने वाली है तभी मुझे ये सब रोक देना चाहिए था। तुम इस बात के लिए मुझसे नफरत कर सकती हो, हाँ मैं डैनी से प्यार करती थी लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए डैनी के गुजर जाने के बाद जब मैंने तुम्हारी वैसी हालत देखी तभी मुझे लगा कि अब मुझे ये सब ठीक करना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें इस टावर पे लेके आई ताकि तुम मूव ऑन कर सको, आई एम सॉरी। फिर हम देखते हैं हंटर उस बैग को लेने के लिए रस्सी से नीचे उतर के डिस्क तक पहुंचती है जिस बैग में खाने पीने का सामान रखा था। हंटर डिस्क के ऊपर से बैग को लेके ऊपर आने लगती है और बेकी रस्सी ऊपर की तरफ खींचने लगती है। तभी अचानक हंटर के हाथ से रस्सी छूट जाती है और हंटर ऊपर से गिर जाती है। फिर वो रस्सी दोबारा पकड़ लेती है, बेकी फिर से रस्सी को खींच लेती है। तभी हंटर रस्सी में बैग के ऊपर लटकती हुई दिखाई देती है। हंटर बैग लेके ऊपर आ जाती है। वो दोनों उस बैग में से एक कागज और एक पेन निकालते हैं और बेकी उसमें मदद के लिए लिख के ड्रोन कैमरा में सेट करके उस ड्रोन कैमरा को मदद के लिए भेजती है और तभी उसकी बैटरी लो दिखाई देता है और उनको मदद नहीं मिल पाती। बेकी कुछ पल के लिए मायूस हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रात को बेकी ड्रोन कैमरे के बैटरी को चार्ज करने के लिए टावर के एकदम ऊपर जो लाइट जल रहा होता है वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है। फिर वो वहां पहुंच जाती है। उस वक्त वहां बेकी के ऊपर वल्चर्स हमला कर देते हैं। तभी उसके कंधे से वो बैग छूट के नीचे गिर जाता है जिसमें उन दोनों का जरूरी सामान था। बेकी बहुत ही मुश्किल से ड्रोन कैमरा को चार्ज करके वहां से उसी जगह पे वापस आती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बेकी अपने मोबाइल पे अपना और डैनी का फोटो देखती है जिसमें उसके डैड भी होते हैं। अब वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही है और डैड से सॉरी कहती है। फिर वो हंटर से कहती है कि उसके डैड ने सही कहा था, उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए था। उसके बाद फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं बेकी उस ड्रोन कैमरा को फिर से मदद के लिए भेजती है। वो वहां सामने ही एक घर में अपने ड्रोन कैमरा को भेजने लगती है लेकिन तभी वहां एक गाड़ी आ जाती है और वो ड्रोन कैमरा उस गाड़ी से टकरा के टूट जाता है। बेकी एक बार फिर से मायूस हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टावर के लाइट के ऊपर एक वल्चर आके बैठा हुआ है। बेकी अब बहुत ही निराश हो चुकी है। वो हंटर से कहती है, अब मैं और एक रात भी सरवाइव नहीं कर सकती। इस पे हंटर उससे कहती है, तुम ऐसी बात नहीं कर सकती। फिर बेकी कहती है, मैं अब सोना चाहती हूँ। लेकिन हंटर कहती है, तुम अभी सो नहीं सकती क्योंकि ऊपर जो वल्चर है वो इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कब तुम गिव अप करोगी और वो तुम्हें खा जाएगा, इसीलिए अब तुम्हें अपने लिए कुछ करना होगा, तुम्हें अब एनर्जी की जरूरत है। इस पे बेकी कहती है, तुम कुछ करो। हंटर कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब हंटर सॉरी कहती है। फिर वो कहती है, क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूँ। अब बेकी को हंटर के चेहरे पे एक घाव दिखाई देता है। ये देख के बेकी हैरान हो जाती है। हंटर बेकी से कहती है, तुम्हें याद
याद है ना, जब मुझसे वो रस्सी छूट गई थी तब मैं बैग को कैच नहीं कर पाई थी, मैं तभी मर गई थी। और हंटर ये भी कहती है कि और तुम ये जानती हो कि मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम ये मानना नहीं चाहती। तुम यही मान रही हो कि मैं अब तक तुम्हारे साथ हूँ। अब हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि बेकी अब तक यहाँ एक हेलुसिनेशन पे थी, क्योंकि हंटर की मौत तभी हो गई थी जब बैग लेके ऊपर चढ़ते वक्त उससे रस्सी छूट गई थी। और अब बेकी देखती है कि हंटर की लाश डेस्क के ऊपर पड़ी हुई है और वल्चर उसे खा रहा है। इसका मतलब ये है अब तक बेकी जो कुछ भी कर रही थी वो अकेले ही कर रही थी। वो टावर के ऊपर चढ़ के ड्रोन कैमरे के बैटरी को चार्ज करना, ड्रोन कैमरा को मदद के लिए भेजना, ये सब कुछ उसने अकेले किया था। और जब उसने उस रस्सी को ऊपर खींचा था तब उसने हंटर को नहीं बल्कि सिर्फ उस बैग को खींचा था। अब बेकी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है बेकी थकी हुई हालत में सो रही होती है। उस वक्त वहाँ एक वल्चर आ जाता है और बेकी के पैर के घाव को खाने लगता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो उस वल्चर को मार के उसी को खाने लगती है। अब बेकी डिसाइड कर चुकी होती है उसे किसी भी तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, उसे जिंदा रहना है। अब वो अकेले ही उस टावर से उतरने लगती है। वो उस डिस्क पर हंटर के लाश के पास पहुंचती है और अपने मोबाइल से अपने डैड को एक मैसेज भेज के उस मोबाइल को हंटर के दूसरे जूते में भर के उस जूते को हंटर के बॉडी के अंदर भर देती है और उस बॉडी को वहां से नीचे फेंक देती है। बेकी के डैड उस जगह पे पहुंच जाते हैं और फिर हम देखते हैं वहां रेस्क्यू करने वाली टीम भी मौजूद है और बेकी की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।